हे देयर, अब साइकिलिंग का मज़ा ही कुछ और है, नहीं? पुराने जो बॉक्सेस रहते हैं या फिर जो कार्टन्स आते हैं हमारे कुरियर वालों के साथ, वो पूरा वेस्ट हो जाता है, उसे हम फेंक देते हैं। उसे ही आज रीयूज करेंगे, इस बार यूटिलिटी के लिए नहीं, पर मैं आपको डेकोरेशन के हिसाब से बताऊंगी। और उसी पैटर्न से मैंने एक और बॉक्स बनाया है जो मैं आपको दिखाऊंगी, उसे आप यूटिलिटी वाइज यूज कर सकते हैं। एक और तरीके से मैंने बॉक्स बनाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल है, उसे चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह के बॉक्सेस को यूज करने के बहुत तरीके हैं, कुछ आज बता रही हूँ, कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कुछ आगे डिस्कस करेंगे। चलिए तो बनाते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये बॉक्स का शेप मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो इसे हम अपसाइकिल करेंगे। और इसके लिए मैं सोच रही हूँ, इस तरह से जूट के रोप्स आते हैं, मेरे घर पे पड़ा हुआ था, इसे इस तरह से स्टिक करते हैं ग्लू गन के हेल्प से। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, स्टिक करना स्टार्ट करते हैं। मैं सोचती हूँ इसे ऊपर से स्टिक करना स्टार्ट करते हैं इस तरह से, ताकि नीचे आते आते पता चले कि इस बेस को किस तरह से हम कवर करेंगे। तो ग्लू गन लेकर इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। ये जो ओपन एज है ना, इसमें अच्छे से ग्लू को हमें डाल देना है, ताकि ये एज सील हो जाए, वरना यहीं से ये खराब होना स्टार्ट होगा। ग्लू गन से स्टिक करना बहुत इजी है, इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है तो आप चाहें तो कोई भी पीवीए ग्लू से इसे आराम से स्टिक कर सकते हैं। बस हमारा मोटिव है कि ये सुंदर से इस तरह से कवर अप हो जाए। अब इस बैक पोर्शन में भी इसे इसी तरह से हमें नीचे लेके जाना है। इस आखिरी वाले स्ट्रिंग को बहुत बढ़िया से ग्लू करके स्टिक करना है, और इसके एज में हमें इस तरह से ग्लू लगा देना है, ताकि ये सील हो जाए।
देखा जाए तो ये कंप्लीटली रेडी हो गया है। अब आप थोड़ा और फिनिशिंग चाहते हैं तो इसके अंदर लाइनिंग कर सकते हैं, कोई कलर का कपड़ा या कलर्ड पेपर चिपका सकते हैं, बट मैं इसमें फूल डालने वाली हूँ तो शायद वो ना दिखे। पहले फूल डाल के देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ करना ज़रूरी है भी या नहीं, या फिर शायद मैं एक लेयर डाल ही दूँ। लेट्स सी। अब चूंकि मुझे इसे हैंग करना है तो मैं इस तरह से इसमें दो छेद कर लूंगी, इसे होल्स बना दूंगी। और मेरे पास इस तरह का धागा है, ये जो है नायलॉन का धागा है, काफी टफ होता है ये धागा, तो बहुत वेट ये बेयर करेगा। और ऐसे भी इसमें बहुत कुछ भारी तो डालना नहीं है, तो उसे इसमें डाल देना है। आप चाहे तो इसके बदले तार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं यही यूज कर रही हूँ। ये देखिए, इसे अंदर मैंने पिरो दिया है और इसे अब यहाँ पे गठान बांध देना है ताकि ये निकले नहीं। ये बहुत इजीली हैंग हो जाएगा। ये देखिए, मैं हैंग करते वक्त सोच रही हूँ इसे इस तरह से डबल कर दूंगी, थोड़ा सा अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा इस तरफ से, और दोनों को डबल करके हैंग कर दूंगी। सो फाइनली मैंने इसे हैंग कर दिया है और ये देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, बिल्कुल भी लाइनिंग की जरूरत नहीं, ये फूलों से ही भर गया है। अब इंटीरियर्स के अकॉर्डिंगली जो मर्जी उस कलर का फूल डालिए और ये बिल्कुल तैयार है। रोप के न्यूट्रल कलर से ये बहुत अच्छे से किसी भी इंटीरियर्स में मैच कर जाएगा। अभी हमने जो बॉक्स बनाया है, सेम उसी पैटर्न में हमने ये बड़ा बॉक्स भी बनाया है, लेकिन उसमें जो रोब्स है वो डबल साइज के हैं, लेकिन पैटर्न वही है। उसी तरह से मैंने इसे फोल्ड करके इस तरह से एक बिन बना दिया है। इसमें मैं न्यूज़पेपर्स रखूंगी। अब चूंकि न्यूज़पेपर्स रखूंगी और ये सोफा के पास होगा तो ये इस तरह से अंदर से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं सोच रही हूँ इसमें मैं ना एक पुराना सा मेरा टी शर्ट है उसे डाल दूंगी। बिल्कुल काटना नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है। मेरा सोफा जो है वो ऑरेंज कलर का है, उसके साथ ये बढ़िया इस तरह से टी शर्ट ऐसे मैच हो जाएगा, तो ये लाइनिंग हो जाएगी टी शर्ट की और बाहर से ये ऐसे दिखेगा। अब नीचे का ये जो बेस है, ये जो मेस्ड अप बेस है, इसके ऊपर हम एक मैगजीन रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं एक मैगजीन इसमें फिट कर दूंगी। ये पुरानी मैगजीन है, पता भी नहीं चलेगा इसके नीचे इतना सारा कचरा है। ये देखिए सोफा के पास कितना बढ़िया लग रहा है। अब सारे न्यूज़पेपर एक जगह, कुछ भी मैसअप नहीं होगा और इसमें ज्यादा कुछ लगा भी नहीं। ये दोनों बॉक्सेस अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लाइक करिए एंड डू सब्सक्राइब।